धमतरी जिले में विभिन्न थानों के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल एक ओर जहां थानों में अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहीं इसी बीच दलाल किस्म के लोग सक्रिय हो गए हैं, जो कि नौकरी से लगवाने से नाम पर पैसे की मांग की बात कर रहे हैं। बता दें कि विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुलिस थानों के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और उनसे आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने बताया कि धमतरी में दलाल लोग सक्रिय हो गए हैं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगने के नाम पर 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर एसपी ने लोगों से अपील किया है कि ऐसे झांसे में आकर किसी भी व्यक्ति को पैसे ना दें और सतर्क रहें। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। हमें इस प्रकार की सूचना मिली है कि कुछ लोग सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग जगह से पैसा ले रहे हैं, तो इस प्रकार से पैसा देकर के कोई भी नौकरी नहीं लगती है। जो भी सरकार की नौकरी लगती है वह खुली प्रक्रिया के माध्यम से ही भर्ती होती है और बाकायदा उसमें विज्ञापन निकलता है, सब जगह प्रचार प्रसार होता है। तो किसी के भी झांसे में ना फंसें, किसी को भी इस प्रकार से पैसा ना दें और जो कुछ भी भर्ती है आपकी उसे खुली प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से ही भर्ती हों।